मधेपुरा के मुरलीगंज प्रखंड अंतर्गत जोरगामा मीरगंज विकास समिति के द्वारा मीरगंज चौक वासियों को गांधी जयंती के अवसर पर शौचालय का निर्माण कर उपहार स्वरूप भेंट किया। मंगलवार को महात्मा गांधी जयंती के अवसर पर एक कार्यक्रम का आयोजन कर शौचालय को सर्वजन के लिए सार्वजनिक किया गया। यह शौचालय जोरगामा मीरगंज विकास समिति के द्वारा बनाया गया है। यह मुरलीगंज का संभवतः मॉडल शौचालय के रूप में सामने आया है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि प्रखंड विकास पदाधिकारी ललन कुमार चौधरी, अंचला अधिकारी शशिभूषण प्रसाद, समिति संयोजक भारत भूषण सिंह, पूर्व मुखिया मिथिलेश आर्य, मुखिया अभय कुमार गुड्डू के द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया। उक्त अवसर पर शौचालय का भी उद्घाटन किया गया। जोरगामा मीरगंज विकास समिति के संयोजक भारत भूषण सिंह लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदूषण जीवन के लिए एक विस्फोटक स्थिति उत्पन्न कर दिया है। इससे निजात के लिए हर व्यक्ति को आगे बढ़कर स्वच्छता अभियान को दैनिक दिनचर्या में जोड़ना होगा। उन्होंने कहा कि साफ करेंगे साफ रहेंगे और गंदा किसी को करने न देंगे। यह बात जब तक लोग अपने मन में संकल्पित नहीं कर लेते हैं तब तक भारत स्वच्छ नहीं हो सकता है। देश में स्वच्छता मिशन पर काम चल रहा था तो हम जोरगामा मीरगंज ग्राम विकास समिति की ओर से भी इसका आयोजन किया और हम लोगों ने लक्ष्य रखा कि यहाँ जो मृत प्राय शौचालय पड़ा हुआ है इसी के शुरुआत से हम अपने पंचायत की शुरुआत का स्वच्छता का अलख जगा। यह सोच करके हम लोगों ने इस काम को लाया और 5 सितंबर से सुशिक्षक दिवस के दिन से शुरू किया गया यह कार्य। आज समिति अपने देख रेख में अपने संचालन में पूरा कर ली और इससे महती और कोई समय नहीं जिस दिन पंचायत के इस विकास समिति के द्वारा इस काम का लोकार्पण किया जाता। इसलिए हम लोगों ने यह तय किया कि 2 अक्टूबर को ही किया जाए। सर का सुनना, मेरा नाम भारत भूषण सिंह है। काफी दिक्कत होता था उसको हम लोगों ने जोरगामा विकास समिति की ओर से सहयोग राशि लेके आधुनिक रूप प्रदान किया है और सोचा क्यों नहीं स्वच्छता के अभियान के तहत लोहिया स्वच्छता अभियान के तहत इसे शुभ दिन 2 अक्टूबर को ही इसका लोकार्पण किया जाए। इसलिए आज लोकार्पण किया जाए। शुभ नाम सर का? मेरा नाम मिथिलेश कुमार लाल। बातें सही बात है कि लगभग 1.5-2 साल हमारे जो हमें जो गाँव को चला है लेकिन हमारे साथ समस्या ये था कि इससे पूर्व में इस पे एक योजना की गई थी जिसके कारण हम इसमें कानूनी तौर पे हम अपने सरकारी फंड से कुछ भी नहीं कर सकते थे लेकिन हमारे संयोजक और हमारे जो गणमान्य के द्वारा एक विचार रखा गया। इनसे हमने पहले भी विचार किया कि ऐसा ऐसा यहाँ भाषा है तो इस पे हमारी सरकार से कोई इस पे हम लाभ नहीं दे सकते तो इनके द्वारा विचार रखा गया कि क्यों हम इनको जनता के सहयोग से इस शौचालय को सुचारू ढंग से शुरू करें जो कि आपके सामने आज दिख रहा है कितना सुंदर ढंग से शौचालय को बनाया गया और इस जो यहाँ के जो हमारे जनता गण है उनके द्वारा चंदा इकट्ठा करके इस शौचालय का निर्माण किया गया। और हमें एक सवाल है मेरा कि यह मीरगंज चौक और भी सुंदर हो सकता है अगर यहाँ अतिक्रमण को हटाया जाए, अतिक्रमण पर काबू किया जाए तो इसके लिए आप जनप्रतिनिधि और प्रशासन की ओर से क्या पहल करें? जी अभी तो इस पे विचार किया गया था और हम चाहेंगे कि अब जो भी है इस पे कार्य किया जाएगा और हम सीओ साहब की मदद से जो भी यहाँ पे अतिक्रमण है उसको जल्द से जल्द इस अतिक्रमण को यहाँ चौक को अतिक्रमण मुक्त करना चाहेंगे। चौक ही नहीं हमारे जोरगामा पंचायत के अंतर्गत जितने भी यहाँ पे जो भी अतिक्रमण किए हुए पंचायत के अंतर्गत टोला में भी या हमारे जो मोहल्ले में जहाँ भी अतिक्रमण है हम प्रशासन की मदद से जल्द इसको अतिक्रमण मुक्त कराएंगे।